आईपीएल साल 2023 मुकाबला नंबर 13 चल रहा है गुजरात और केकेआर के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। बहुत ही ताबड़तोड़ मुकाबला है। दोनों टीम्स जीत का विजय रथ कायम करने की उम्मीद से मैदान में उतरी हैं, लेकिन मैदान में हमें हर खिलाड़ी नजर आया केकेआर की तरफ से भी और जीटी की तरफ से भी, लेकिन एक खिलाड़ी था जो मिसिंग लगा और वो कौन मिसिंग खिलाड़ी, सारी चीजें आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्पोर्ट्स नेस्ट के इस खास वीडियो में। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी श्रद्धा पांडे। आईपीएल का 13वां मुकाबला चल रहा है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स और साथ ही साथ गुजरात टाइटन्स पांड्या टाइटन्स के बीच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ये वही स्टेडियम है जहां पर आईपीएल 2013 का आगाज हुआ था और गुजरात ने सीएसके को पटकनी दे दी थी। लगातार मुकाबले जीतती आ रही है गुजरात की टीम और इस मुकाबले में भी विनिंग स्ट्रीक को जारी रखना चाहेगी। लेकिन एक शख्स है, एक खिलाड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण वो खिलाड़ी है, वो हमें इस मुकाबले में टॉस के वक्त नजर नहीं आया। वो कोई और नहीं है, वो है हार्दिक कुंफू पांड्या। जी हाँ, जब टॉस हुआ तो केकेआर की तरफ से तो नीतीश राणा है, लेकिन गुजरात की तरफ से उनकी जगह, पांड्या की जगह राशिद खान हमें नजर आए। और बाद में हमें ये चीज पता चली कि भैया हार्दिक पांड्या इस मुकाबले के लिए अनअवेलेबल है। राशिद खान ने बताया टॉस के टाइम पे कि हार्दिक पांड्या की तबीयत जो है वो थोड़ी सी नासाज लग रही थी और मैनेजमेंट ने ये नहीं करना चाहा कि उनको रिस्क पे डाल के मैच खिलाया जाए। मैनेजमेंट ने चाहा कि भैया उनको थोड़ा आराम देते हैं ताकि आगे जो आने वाले मुकाबले हैं उसमें हार्दिक पांड्या पूरी तरीके से फिट नजर आए। अगर हम राशिद खान की देखिए बात करें तो राशिद खान ने पहली बार पांड्या के एब्सेंस में कप्तानी नहीं निभाई है। पिछले साल आपको याद होगा आईपीएल साल 2022 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ एक मुकाबले में जब हार्दिक पांड्या कुंफू पांड्या अवेलेबल नहीं थे उस टाइम पे भी राशिद खान करामाती खान ने कप्तानी निभाई थी और ना सिर्फ कप्तानी निभाई थी बल्कि उस मुकाबले को जीता भी था। बल्ले से भी बहुत तगड़ा योगदान उन्होंने दिया था। यानी ऑल इन ऑल हार्दिक पांड्या की कमी हमें राशिद खान इस मुकाबले में महसूस नहीं होने देंगे, लेकिन फिर भी हमारी गुड विशेस जो है वो हार्दिक पांड्या के साथ है क्योंकि अभी तक जितने भी मुकाबले गुजरात ने खेले हार्दिक पांड्या द बैट्समैन, हार्दिक पांड्या द बॉलर हमें कहीं नजर नहीं आए। उनका वो अभी लय नहीं हमें नजर आई, वो उनकी फॉर्म नजर नहीं आए। तो उम्मीद करेंगे हार्दिक पांड्या जल्द से जल्द वापसी करें और बल्ले से भी जौहर दिखाएं। कैप्टन से तो दिखाते हैं, बल्ले से जौहर दिखाएं, साथ ही साथ बॉलिंग से भी टीम को योगदान दें। आप कमेंट्स करके अपनी राय बताइए और प्रेडिक्शन बताइए कौन जीत रहा है आज का मुकाबला, क्या लग रहा है, कोलकाता बाजी मारेगी या गुजरात ले जाएगी इस मुकाबले को, कमेंट्स करके बताइए। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।